गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं देवनान बोल रहा हूँ। देखिए, मेरे पास एक LG का सेट आया है। ये अभी नो डिस्प्ले पे है। इसका देखिए, ये बैकलाइट जल रहा है, लेकिन कुछ डिस्प्ले इसमें नहीं है। तो इसमें जो पैनल लगा हुआ है, V236 का पैनल शायद लगा हुआ, हाँ V236 BJ1 का पैनल लगा हुआ है। तो इसमें अभी डिस्प्ले नहीं बन रहा है। तो इसमें हम लोग जैसे चेक करते हैं, वह मैं दिखा रहा हूँ इसमें सप्लाई क्या पहुँचता है कि नहीं। तो मैं अभी इसका मीटर प्रोब यहीं पे लगा दिया हूँ। तो ये पैनल तो आप लोग शायद सभी ने जानते ही होंगे, ये बहुत कॉमन पैनल है। तो अभी इसमें पहले तो VCC आ रहा है कि नहीं चेक करना है। देखिए, VCC आ गया है 11.92। इसके बाद हम लोगों को चेक करना है 3.3 वोल्ट। ये देखिए 3.27 वोल्ट, वो भी प्रेजेंट है यहीं पे। तो उसके बाद इसमें और एक वोल्टेज रहता है 1.2 वोल्ट, वो भी प्रेजेंट है। तो मतलब ये प्रोसेसर को, टिकॉन प्रोसेसर को रिक्वायरमेंट सारे वोल्टेज है। तो अभी देखना है AVDD वोल्टेज है क्या नहीं। यहीं पे दिख रहा है ना, VA लिखा हुआ है, ये AVDD है, लेकिन AVDD इसमें कुछ भी वोल्टेज नहीं है। तो उसके बाद यहीं पे और एक पॉइंट दिया हुआ है HVA, तो AVDD नहीं है, मतलब HVA भी नहीं बनेगा, वो भी जीरो है। तब इसमें और एक टेस्ट पॉइंट है VGH, ये VGH भी नहीं है। तो सब कुछ इसमें कोई भी बूस्ट वोल्टेज नहीं बन रहा है। तो ऐसे केसेस में हम लोगों को कैसे चेक करना है, तो मैं अभी पावर को ऑफ कर रहा हूँ। ऐसा सिचुएशन में हम लोगों को DC to DC IC से जितना आउटपुट पॉइंट है, मतलब AVDD, HVDD, VGH, VGL, VCOM, सब पे एक एक करके शॉर्टिंग चेक करना है। ओल्ड टेस्ट में कहीं पे कुछ शॉर्टिंग वगैरह है कि नहीं। तो मैं अभी पहले कोल्ड टेस्ट कर रहा हूँ। देखिए, तो जो जो पॉइंट मुझे अभी मिला है, मैं पहले ये VGH पे चेक कर रहा हूँ। देखिए, मीटर को मैंने ग्राउंड पे लगा दिया, अभी इसमें 713, मतलब ये इसमें कुछ शॉर्टिंग नहीं है, नॉर्मल रीडिंग ही दिखा रहा है। तो बाकी इसमें जो 3.3 और इसमें तो कुछ शॉर्टिंग नहीं है। यहीं पर VGHP है, यहीं पे देखिए ये VGHP का पॉइंट है। तो इसमें भी 647, मतलब इसमें भी कुछ शॉर्टिंग नहीं है। तो यहीं पे HVA है, ये भी बिल्कुल बराबर है 595। तो और यहीं पे एक VGL का भी पॉइंट, ये VGL का पॉइंट है, ये इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो आखिर में और एक पॉइंट बाकी रह गया है यहीं पे, AVDD वाला पॉइंट। वो देखिए, ये जो VA लिखा हुआ है, वो अभी इसमें शॉर्टिंग दिखा रहा है 25 ओम्स का। तो मतलब ये AVDD लाइन पे कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। तो अभी शॉर्ट ढूंढना है, शॉर्ट कहाँ पे है। तो इसमें जो DC to DC AC लगा हुआ है, ये CM501 लगा हुआ है इसमें, ये भी बहुत पॉपुलर IC है। तो इसमें जो AVDD का आउटपुट पॉइंट है, ये जो 4 PF दिख रहा है, यहीं से AVDD आउटपुट आ रहा है। ये एक सिंगल चैनल P टाइप का MOSFET इसमें लगा हुआ है। तो यहीं से स्विचिंग होके AVDD निकलता है, AVDD बनता है यहीं पे, MOSFET का सोर्स पे AVDD बनता है। लेकिन और भी एक गेट ड्राइव यहीं से निकलता है, और निकलने के बाद ये MOSFET स्विचिंग होके इधर AVDD पे आउटपुट वोल्टेज मिलता है। मुझे अभी इसका आउटपुट पॉइंट में शॉर्टिंग मिल रहा है। तो आउटपुट में ये 4 PF लगा हुआ है, और तो ये दोनों सोर्स कॉप पे गया हुआ है AVDD, मतलब दोनों सोर्स कॉप पे और भी 2 कैपेसिटर होगा। तो मैक्सिमम चांस इसमें कोई ना कोई PF इसमें शॉर्टिंग है। तो मैं अभी चेक कर रहा हूँ कहाँ पे क्या शॉर्ट है, उसके बाद दिखा रहा हूँ।
तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें जो शॉर्टिंग था वो तो मैंने ढूंढ लिया। यहीं पे जो पॉजिटिव चार्ज पंप के लिए जो ड्यूल डायोड था वो शॉर्ट था, और उसको स्विचिंग देने वाला जो पीएफ था वो भी शॉर्ट था। आखिर में मैंने जब देखा है वो स्विचिंग पिन मेन आईसी से, मतलब डीसी टू डीसी आईसी से ही शॉर्ट था, तो मैंने उसको रिमूव कर दिया। और मेरे पास ऐसा दो पीसी भी था जो मैंने मार्केट से लाया था CM501 का, ये दोनों मैंने यहाँ पे लगा के चेक किया, लेकिन दोनों में ही अलग अलग टाइप का प्रॉब्लम आ रहा था, तो मैंने उसको निकाल दिया। और आखिर में मैंने ये पैनल बूस्टर लगाया हूँ। इसमें एक मॉड्यूल लगाया 1235 का और एक पैनल बूस्टर लगाया हूँ, और इसमें सब एक एक करके कनेक्शन दे दिया। यहीं से मैंने सप्लाई ले ली, 3.3 इनपुट दिया, 1.2 आउटपुट हो रहा है, और यहीं पे एवरेज दे दिया। इधर VGL है, और यहीं पे सीधा VGH कनेक्ट कर दिया। तो मैं अभी देख रहा हूँ सेट का परफॉर्मेंस कुछ चेंजेस हुआ है कि नहीं। हाँ तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा पिक्चर अब बिल्कुल बराबर आ गया है, और सेट भी सही से चल रहा है, कुछ डिस्टरबेंस नहीं है। तो इसमें सब कुछ वोल्टेज बराबर बन गया है, तो मैं एक बार इसका अभी रनिंग जो वोल्टेज सिचुएशन है वो मैं दिखा रहा हूँ। तो देखिए, इसका तो VCC तो 12 वोल्ट था ही, कुछ दिक्कत नहीं। तो उसके बाद सीधा यहीं पे देखिए VA यहीं पे 13.87 14 वोल्ट है, वो 15-16 होना चाहिए, लेकिन इसमें से और ज़्यादा नहीं निकल रहा है, तब भी कुछ दिक्कत नहीं, सेट सही से चल रहा है। और यहीं पे HVDD, ये HVDD है, ये 8.88 वोल्ट है। तो बाकी ये VGL -6 करके रखा है मैंने ये VGL को, और यहीं पे VGH देखिए 26 वोल्ट, और यहीं पे VCOM है 7.45। तो बाकी सब वोल्टेज बिल्कुल बराबर है। तो ऐसे करके मॉडिफिकेशन की है। तो थैंक यू फ्रेंड्स।